हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल, एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अपना 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों का फेवरेट शो जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से है और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। कौन सा नया सॉफ्टवेयर आया है, ऐप आया है, क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कितना बूम कर चुका है हमारी लाइफ में और कितना घर कर चुका है, कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब ये बता सकता हूं कि मैं आज बड़े दूर से आया हूं, देरी से आया हूं थोड़ा सा, लेकिन दुरुस्ती के साथ आया हूं क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स ने मेरा काफी इंतजार किया है। और आज जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो, जैसा कि आपको पता ही आरआईटी का शो है, तो आरआईटी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और साथ में पीसीआर टीम तो आई है। तो मेरे साथ हैं आज अमय, आर्या, अदिति और साथ में है वेदांत। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनका वार्म वेलकम करता हूं और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज के नो योर टेक की। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी वार्म वेलकम, गुड आफ्टरनून, और प्लीज अपने बारे में जरूर कुछ कुछ एक एक दो लाइन में बताएं और अपना इंट्रोडक्शन दें। अमय, स्टार्ट करते हैं आपसे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय पांचाल, आई एम स्टडिंग इन सेकंड ईयर ऑफ CSBS एंड राइट नाउ आई एम इन द GDSE ऑफ द RIIT कॉलेज। Hello everyone, my name is Arya Khot. I am currently a student of Devi Patil second year and I am a creative cohort of GDSE. Wow. Hello everyone, my name is Aditi Hungekar. I am studying in Devi Patil RIIT in second year and currently cohort in GDSE. Hello, myself is Vedant Savan. I am currently working as editorial cohort in GDSE RIIT second year. वंडरफुल। तो अब सबसे पहले हम लोगों के सामने अब यही सवाल है जो कि कौन रहा होगा और आपके दिमाग में भी और मेरे दिमाग में जरूर आया है कि भाई ये बार बार बात कर रहे हैं GDSE, तो GDSE क्या है, इसकी शुरुआत हम करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के GDSE एक्सपीरियंस की आर्या के साथ। आर्या से पूछेंगे सवाल। आर्या, व्हाट स्किल्स और नॉलेज डिड यू गेन थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद GDSE दैट यू फाइंड मोस्ट वैल्यूएबल नाउ, और GDSE के बारे में भी प्लीज हमें बताएं विद द फुल फॉर्म। ओके, सो GDSE इज अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ वेरियस क्लब्स, इट इज I gained valuable skills such as learning about various design tools such as Figma, Canva, that helped me use them in my various project building. I also got to know about GitHub, that is the open source software that helped me in building my projects along with my friends. Great, wonderful. और अगला अब मेरा सवाल है वेदांत से, और वो ये है, did you face any challenges while working on GDSE projects? And how did you overcome them? मतलब challenges तो definitely आते ही हैं. So what kind of challenges? In my tenure in GDSE, I've encountered multiple problems here. One of it was managing workshop and simultaneously working with Catalyst and other domains as well. Okay. Plus also being updated with latest technologies that are happening in this field. And as I'm working in editorial domain, I have to upload weekly articles in our GDSE domains that are online. Okay. मतलब प्रेशर बहुत सारा होता है, मतलब इतना सारा काम करना ही है, वीकली वो अपलोड होना ही है, ऐसा ही है। How do you get time for that? I just assign 2 hours of my day for that. Okay. So the third question is that were there any specific technologies or tools introduced to you through GDSE that you continue to use today? I'm using Git and GitHub. That is very useful for me for open source contributions from my side. Also, I got introduced to various resources like React and Django. I was introduced to multiple technologies from Google, like Google Cloud and Bard AI. Okay, Bard. That. I'm using currently in my projects. अक्सर मैंने अब ये देखा कि educational point of view से Bard लोग ज़्यादा use कर रहे होते हैं। I mean in the comparison of than the ChatGPT. What is the difference? Bard इसमें Lambda AI पे trained है। That is वो उसका training model इससे ज़्यादा है, बड़ा ChatGPT से। Okay. So that gives us advantage. तो लेमैन को मतलब इससे ज्यादा और खासकर स्टूडेंट्स को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा बार्ड से, है ना, द कंपैरिजन ऑफ देम। ओके, द ChatGPT, यस। अब मेरे पास है GDSE स्पेसिफिक क्वेश्चंस और मेरा पहला सवाल आने वाला है अमया के पास। आई थिंक ही इज रेडी, और जो लॉकेट डाला है वो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका पेन वेन के साथ। आई थिंक एक्चुअली ही इज ऑल्सो हैव द लाइकनेस फॉर द एंड द फाउंड ऑफ द एक्सेसरीज। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल और मिशन ऑफ GDSE अमया?
So hello, GDSC basically means Google Developer Student Club. It is not rather a club but rather a community which is spread throughout the colleges of India as well as throughout the world as well. Oh, wonderful. So it is sponsored by Google itself, as we know. Like-minded people actually and the student, they can come there and exactly. they can talk. Exactly. Analyze. So the motive of the Google Developer Student Club is to connect, learn and grow. Where students connect with people throughout the world and throughout India, which are likely participants of GDSE itself. Oh, yes. And they get to learn from them and we get to grow from the experience of the other people throughout the country. That is the primary motive of GDSE. Wow, wise. Great, great, great. वेल तो इस बहाने तो कम से कम सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता होगा आपको जानने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप कहीं स्टक हो रहे होते होंगे तो उसमें हेल्प मिल जाती होगी. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स डस GDSE ऑर्गेनाइज आर्या के लिए ये क्वेश्चन. सो बेसिकली GDSE ऑर्गेनाइजेस वेरियस हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स एंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज लाइक सॉल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन चैलेंज वेयर स्टूडेंट्स कैन फाइंड सॉल्यूशन टू वेरियस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड GDSE ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस वेरियस गूगल टेक्नोलॉजीज टू स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प ऑफ इन देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड वेरियस web apps or various web development projects. Okay. What sets GDSE RAIT apart from other student clubs? That is an important question. Aditi. Yeah, GDSE RAIT is completely different from other committees in the college. Like the name itself defines community where we all walk together as a community, not as a committee. So the GDSE holds workshops and product building activities, which allows open resource for everyone who wishes to participate. Yeah, GDSE RAIT gives access to various technologies for students to help them learn deeper into technology and like improve their technical and non-technical skills. Like they hold workshops on data structures and cyber security. Yeah. Okay. Technical and general questions now I'm taking. And Ameya se ab agla mera sawal hai. What are the advantages and disadvantages of using ChatGPT? Iske baad bada sawal ye bhi aane wala hai. Or otherwise actually we can collaborate. Now the question in it. के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका इस वक्त सबसे ज़्यादा बूम है, इमरजेंस है और उसके लिए बहुत सारी बातें चल रही हैं क्योंकि ChatGPT के साथ एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और आ रही है जिसका अगर आप अभी जवाब भी देने वाले हो. वेस्ट में स्क्रीन राइटर्स ने सीधे सीधे कह दिया था जाकर US में कि और स्पेशली बिल गेट्स ने इसके लिए आवाज़ उठाई, एलन मस्क ने आवाज़ उठाई कि अगर हमारा कोई भी कंटेंट यहाँ पर आता तो कॉपीराइट एक्ट बनी आता, हमारी कोई भी स्क्रिप्ट उठा ली जाती है और कोई भी अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा, कोई स्टेटमेंट लिखा तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हम लोग उसे क्लेम कर पाते, कोई भी कहीं भी यूज कर लेता है तो देयर शुड बी अ लिमिटेशन इन इट. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सो द ChatGPT इज द टॉक ऑफ द मार्केट राइट नाउ एज वी नो. सो ChatGPT, द एडवांटेजेस ऑफ ChatGPT दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट राइट नाउ इज दैट ChatGPT was primarily increased due to the real life problems that it solved 24/7. Yes. One person can just go on ChatGPT and just get the answers to their questions immediately. And if we provide any context regarding the questions that we provide, that is if we see that this condition is applicable to this problem, then the ChatGPT can generate questions regarding the conditions that we get that we give it. But the disadvantage of ChatGPT is that ChatGPT right now, the ChatGPT model that is currently being used worldwide is ChatGPT 3.5, which has a limited database that is only limited till January 2022. So recent developments or recent knowledge which is applicable to our generation may not really be considered during any answers that it is providing. Also, another disadvantage that I can talk about is that for real life problems which require accurate information. Yes, you're right. What ChatGPT really does is that it accesses the database that it is which is on the Google already.
और वो सही है या गलत है ये नहीं पता, ये सही है नहीं है नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि वो जस्ट डेटाबेस को एक्सेस करेगा और उसके हिसाब से तुम लोग को आंसर सामने दे देगा. इट डजंट वेरीफाई एनी टाइप ऑफ आंसर दैट इट प्रोवाइड्स. Correct. And we have to go through it ourselves. And if a person is not knowledgeable regarding the same, then it he won't be able to find any type of right or wrong answers. Oh, definitely. It gets from ChatGPT. You should actually check and recheck that. Exactly. कोई भी student अगर उसको use कर रहा है तो at least fact check तो करें हम लोग. Exactly. The regarding the second question you were talking about, I didn't really get that. Can you repeat that again? The second question was that जो अब सबसे बड़ी problem आ रही है ChatGPT के साथ और especially अभी यूरोप में हुआ और USA से start हो गया वो ये है कि अगर कोई भी writer है और उनका एक intellectual property है अपना और उन्होंने कोई भी कहानी या स्टोरी वगैरह लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, अगर उसको ChatGPT पर डालते हैं तो ChatGPT पर वो आ जाता है. अब कोई भी किसी भी एक स्टोरी को निकालता है और प्रिंट करके आर्टिकल को दे देता है. नाउ दे आर एक्चुअली अपोजिंग दैट कि आगे इसके लिए कोई लिमिटेशंस हमारे पास होनी चाहिए. एंड इवन एक्चुअली दे वेंट टू द कोर्ट इसके लिए कि हमें कम से कम एक ऐसी कोई लिमिटेशंस मिले कि हमारे इंटेलेक्चुअल राइट्स हमारे पास बचे रहे, अदरवाइज कोई भी कल यूज कर लेगा और हम कॉपीराइट लगा भी नहीं पाएंगे बिकॉज इट्स ऑन ChatGPT. अब गूगल पर तो अगर आप कोई भी एक आर्टिकल यूज करते हो तो अब आपसे कोई पूछता नहीं है उसके लिए, अब वो पूछ ही सकता क्योंकि पब्लिक डोमेन में है. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? So I can't really see anything about the limitations that ChatGPT is to be or provided. Or there should be something, I mean, limitation or the ban or something like that. I feel like patents should be provided, but of course ChatGPT cannot really recognize any type of limitations that it is really being provided with. But let's just say that if a company or company tries to approach any type of AI generated community, that is ChatGPT or even Google Bard. I guess it just depends on what kind of approach you are taking with the same. Okay. Next, एक और question आप लोगों के पास जरूर लेकर आऊँगा, लेकिन पहले एक और question ये है मेरे पास. In what ways does social media influence your daily life, Aditi? Yeah, social media. इसके बारे में वैसे तो हम जानते हैं. Definitely, it is yes. But okay, what's your take? So social media is basically a very large platform where like communication is held irrespective of the geographical distances. And like it connects people definitely, and information is shared in the real time. And the disadvantages of like social media can be ki too much of use can also concern people their privacy, because personal you get addicted to that. Yeah, personal information is shared on a very wide range. Yeah, and also self-esteem, like comparing our lives with others, you know, what people may think. Opinions, that all matters, and I think this is a drawback of social media. I give you also the very difficult, very dangerous, the possibility it is going on and also studied by Elon Musk now. इसके बारे में मुझे आप सबके अपने अपने कुछ takes चाहिए और वो ये है, what do you say about the deepfake? रश्मिका मंदाना का पिछले दिनों आई गया deepfake एक video. सचिन तेंदुलकर का recently एक deepfake video आया जिसमें सारा तेंदुलकर ही नहीं पहचान पा रहे थे कि मेरे daddy का है किसका है. मुझे बाद में पता चला कि वो फेक है ये सारा का स्पेशली स्टेटमेंट आया उसके लिए. और डीप फेक इतनी खतरनाक चीज है, स्पेशली पहले तो अगर यूज होते थे कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर तो हम लोग पॉर्न इंडस्ट्री में देख लेते थे, बट नॉट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड के हम लोग इसको स्पेशली देख पा रहे हैं और अभी आ रहे हैं. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? क्योंकि इसके लिए तो अभी भी बात चली थी और मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी इसके लिए कहा था कि कम से कम इसके लिए तो हम एक लॉ लेकर आए, अदरवाइज कल को कोई भी आपका चेहरा मोरा यूज कर सकता है, आपकी आवाज यूज कर सकता है, आपके घर पर कॉल जा सकता है और आप ही अपने घर पर पैसे मांग रहे हो, मान लो मदद के लिए कि मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए. अब आपके मदर फादर को तो पेरेंट्स को तो ये पता ही नहीं कि एक्चुअल में ये रियल आवाज है या किसी और की आवाज है. दैट इज अ वेरी डेंजरस पॉसिबिलिटी नाउ दिस टाइम व्हिच इज एक्चुअली कमिंग एज कि जो डीप फेक जैसी चीजों के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो सकता है. वेदांत शुरुआत करते हैं आपसे. डीफेक टेक्नोलॉजी अभी ये एरा में बहुत आगे चले गए, नॉट ओनली फेशियल डीफेक्स बट ऑल्सो आपने बोला जैसे कि वॉइस में भी डीफेक्स होने. डेफिनेटली. और जो आपने लोगों ने शायद वो देखा भी होगा, सॉरी टू इंटरप्ट, एक वीडियो आता है एलन मस्क ने जो निकाला था जिसमें स्क्रीन पर एक लड़की स्पेशली बोलती है जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी आ गया है, पूरी छोटी सी रील है जिसमें वो बताती है अपने पेरेंट्स को ये कितना डेंजरस आगे हो सकता है, जिसके लिए एलन मस्क ने सबसे पहले आवाज उठाई कि मैं चाह रहा हूँ. यस यू कंटिन्यू. तो हाँ, बहुत पहली बात तो लॉज स्ट्रिंजेंट होने चाहिए मैटर में. इंडिया में अभी भी ओल्ड लॉज यूज हो रहे हैं, 2001 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो आउटडेटेड है ये टेक्नोलॉजी के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद भी हमें टेक्नोलॉजी के लिए भी एडवांस होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी सेल्स को,
कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. ऐसे AI टूल्स भी अभी आए मार्केट में जो जो ये रिकग्नाइज करते हैं सब चीज़ें अभी मार्केट में जो भी है अभी आया है. और फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए पूरे अपने कम्युनिटी में जितना पॉसिबल है कि ऐसे स्पेशली एल्डर्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं ये स्कैम्स के लिए या फिर डेफिनेटली दे डोंट नो अबाउट दैट. जी अदिति. या सो दैट्स व्हाट वेदांत सेड कि लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए. लाइक इट्स ऑल आर लाइक अपन थोड़ा इसमें और वर्क करके थोड़ा टेक्नोलॉजी को ही थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड अच्छा बनाए तो आई गेस ये आगे जाके नहीं होगा. अरे मतलब एटलीस्ट एक ऐसा कोई जैसे कि सेंसर बोर्ड तो होता है हमारे पास सिनेमा के लिए, हमारे पास ऐसा तो कोई बोर्ड हो, अदरवाइज साइबर लॉ ऐसा कुछ तो आए कि जो कम से कम इसको एक लिमिटेशन तक लेके जाए, कहीं तो रोके. It can be a very dangerous possibility nowadays. Yeah, I agree with both of them. Like strict laws are really essential for such a thing. And I feel like AI is doing a very good job at this, but this thing is used for very dangerous purposes, which might harm anyone's life and it might put anyone in danger. So taking this into consideration, I feel like strict laws are essential for this. And yeah. Jo ki I think abhi tak nahi aaya. Amir, what's your take? ओके सो आई विल एक्चुअली टेक अ कॉन्ट्रोवर्शियल टेक रिगार्डिंग द सेम. प्लीज प्लीज मुझे अगर बोलना रहेगा तो AI जो है इट इज वेरी क्या बोलते हैं इट्स अ वेरी हाई डेवलपमेंट एंड वी शुडंट रियली शाय अवे फ्रॉम इट. यस अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी चाहिए, हमें लॉस भी बनानी चाहिए, बट AI एज अ डेवलपमेंट इज गुड. क्योंकि क्या है कि जब ही लेट्स से दैट व्हेन वी हैड द इंटरनेट, इंटरनेट ने लोगों को कनेक्ट भी किया, लोग बहुत कनेक्ट होने लगे, इवन सोशल मीडिया पे लोग कनेक्ट होने लगे, बट दैट ऑल्सो गेव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग इज अ वेरी रीसेंट प्रॉब्लम एंड इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम राइट नाउ इमर्जिंग विद स्पेशली इंस्टाग्राम एंड ऑल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट लॉज आर बींग प्रोवाइडेड फॉर द सेम एंड देर विल कम अ टाइम वेन साइबर बुलिंग विल बी स्टूप टू सच अ लेवल वेयर इट विल बी जस्ट मेजर, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा. एग्जैक्टली AI का भी सेम ही होने वाला है कि AI का अभी जो बूम है वो हमें बहुत आगे लेके जाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर उसके बारे में हम लॉज भी पास नहीं करने लगे तो इट विल टेक अस टू अ पॉइंट वेयर वी वोंट बी एबल टू रिटर्न. मतलब क्या बोलते हैं वो जो डीप फेक्स एंड ऑल स्कैम्स वगैरह एंड ऑल, उसके बारे में हमने अगर एक अवेयरनेस स्प्रेड नहीं किया तो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग क्या बोलते हैं AI का ज्यादा टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है इट्स अ न्यूट्रल टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज अ न्यूट्रल थिंग. वो कैसे हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है. मशीन लर्निंग के साथ अब स्पेशली एक ही चीज आपसे और पूछनी है, यूनिवर्स सोल्जर और द मैट्रिक्स और द टर्मिनेटर काइंड ऑफ थिंग, आई मीन वुड इट बी पॉसिबल विद दैट. स्पेशली इसके लिए जो बातचीत चल रही होती है वो यही कि अब AI को हमने इतना ज्यादा अपडेट कर दिया और मशीन लर्निंग और ऑल्सो उसमें शामिल अब हो चुकी है और रोबोटिक्स, यू नो अबाउट दैट स्पेशली ऑल दैट थिंग. तो क्या मतलब ऐसा आप कुछ है डेंजरस संभावनाएं हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है? क्योंकि इसके लिए बोला तो जा रहा है कि हाँ यार इतना ज्यादा डिपेंड मत हो जाओ मशीनों के ऊपर कि आप खुद ही मतलब बाद में परेशान हो जाओ. व्हाट्स योर से लेमन टर्म्स में AI का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मिसअंडरस्टूड है कि AI मोस्टली इस पे वर्क करता है जो हम इनपुट देते हैं, बट अभी AI ऐसे आ रहे हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डेवलप कर रहे हैं इन द फ्यूचर. सो वी शुड बी अवेयर. और ऑफकोर्स अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं AI सेफ्टी पे, दैट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए. एवरीवन शुड नो इट शुड बी ओपन सोर्स, वो एक बात है ऑफकोर्स. और टॉकिंग अबाउट दैट टर्मिनेटर थिंग, इट्स वेरी अनलाइकली, बट समथिंग क्लोजर टू दैट इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस दैट डेफिनेटली जो हमने रिसेंटली अभी शायद लास्ट देखी थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग. उसमें उन्होंने उसको यूज किया उस पार्ट को स्पेशली. पॉसिबिलिटी वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर सेफ्टी.
स्टेटमेंट प्लीज यू वेलकम वेदांत, हम सभी लोग यहाँ पर थे और मेरी अच्छी खासी अच्छी बातचीत हुई है भाई साहब आप सब लोगों से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यस यू वांट टू से अदिति, सो जीडीएससी का मेन अभी रिसेंटली वुमेन एंड टेक का डोमेन एक स्टार्ट हुआ है जो बहुत एम्पावरमेंट और मोटिवेट कर रहा है वुमेन को टेक टेक के इसमें। तो आई जस्ट वांटेड टू थिंक से दैट कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा हम वुमेन्स वी शुड मेक वर्ल्ड प्राउड एंड वी आर डूइंग इट एंड थैंक यू फॉर दैट। या थैंक यू सो मच। यस एनीथिंग यू वांट टू से? ओके थैंक यू सो मच कि यहाँ पर आप सब लोग आए और बहुत सारी बात हुई। आज का न्यू टेक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, काफी ज्यादा चीजें नहीं है यहाँ पर, और इस एपिसोड के बाद दोबारा आप लोगों के पास जरूर आएंगे हम लोग न्यू टेक के साथ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आरआईटी स्टूडेंट के साथ यहाँ पर थे हम लोगों के साथ ये चारों, और इसके अलावा प्रणवी और ओमकार जो कि हमेशा आते हैं हमारी पीसीआर टीम, थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग हमेशा आते हो और कवर करते हो हम सभी लोगों को और लोगों तक पहुंचाते हो। आप लोगों के साथ बने रहेंगे हम लोग 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच गाइस।